हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस SZB में स्वागत करता हूँ। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया कि स्पेस लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, कितने तरह का यूनिट सेल होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो क्लास होगा हमारा, उसमें हम लोग कुछ यूनिट सेल ये सब से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। थ्री एलिमेंट्स ए बी एंड सी क्रिस्टलाइजेस इनटू अ क्यूबिक सॉलिड। थ्री एलिमेंट्स ए बी एंड सी क्रिस्टलाइजेस इनटू अ क्यूबिक सॉलिड लैटिस। एटम ए ऑक्यूपाइज द कॉर्नर्स, एटम ए जो है वो कॉर्नर्स पे है। बी एटम द क्यूब सेंटर, जो एटम बी है वो क्यूब के सेंटर पे प्रेजेंट है। एंड सी एटम द एज, और सी एटम जो है वो एज पे है। तो आपको बताना है कि द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा ये आपको बताना। तो देखिए ये कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। हमारा ए एटम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है। मतलब ए जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो कॉर्नर में आठ कॉर्नर होता है, और उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो कट जाएगा तो आ गया 1, मतलब ए 1 हो गया। बी जो हमारा है, बी कहाँ पे, बी एटम द क्यूब सेंटर, बी जो है वो क्यूब के सेंटर पे है। तो सेंटर पे एक एटम होता है, और उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और सी एटम जो प्रेजेंट है वो कहाँ पे, एज पे प्रेजेंट है। तो क्यूब में 12 एज होता है, और हर एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, ठीक है। तो 4 × 3 = 12, तो कट के 3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ए 1 है, बी 1 है, और सी 3 है, मतलब ए बी सी 3, आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। अ कॉम्पाउंड कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ एटम्स, एक कॉम्पाउंड है जिसमें दो तरह के एटम्स है, एक का नाम है एक्स और दूसरा का नाम है वाई। मतलब जो कॉम्पाउंड बना हुआ है हमारा, वो दो तरह का एटम से बना, एक एक्स से और दूसरा वाई से। इट क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक लैटिस, ये जो क्रिस्टलाइज कर रहा है वो क्यूबिक लैटिस है। मतलब इसका जो लैटिस बन रहा है वो क्यूबिक है, इस तरह का क्यूबिक लैटिस है, ये हो गया। इस तरह से फिर आगे बढ़ेगा, ये इस तरह से चलेगा, क्यूबिक लैटिस है, तो इसी तरह से फिर ऊपर चलेगा, फिर इस तरफ चलेगा, फिर इसके ऊपर आएगा, इस तरह से चलते चलाएगा, क्यूबिक लैटिस है। तो अ कंपाउंड कंटेन्स टू एटम्स, टू टाइप्स ऑफ एटम्स एक्स एंड वाई। इट क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक लैटिस विथ एक्स एटम्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। देखिए ये यूनिट सेल है, ये क्या है, यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है। तो इसका कॉर्नर कौन होगा, देखिए आठ कॉर्नर होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉर्नर है। और ये जो कॉर्नर है इसमें कौन प्रेजेंट है, इसमें एक्स है, एक्स 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 कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए इट क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक लैटिस विथ एक्स एटम्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल एंड एटम्स वाई एट द बॉडी सेंटर। एटम वाई जो है ये बीच में है, यहाँ बीच में बॉडी के सेंटर पे, ये यूनिट सेल है, इसके सेंटर पे है। तो आपसे पूछ रहा है द सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्पाउंड, ये जो कॉम्पाउंड बन रहा है एक्स और वाई के मिलाने से, अगर एक्स अगर आपका कॉर्नर्स पे रहेगा और वाई इसका बॉडी का सेंटर पे रहेगा, तो ये कौन सा फॉर्मूला बनाएगा ये आपको बताना है। एक्स एट वाई, एक्स टू वाई, एक्स वाई, एक्स वाई एट, क्या बनेगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, ज़रा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। ये इसका कंट्रीब्यूशन देखिए, एक्स जो हमारा कॉर्नर पे, एक्स कॉर्नर पे है और एक्स कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे आठ होता है। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो गया इनटू, अब बताएंगे इसका कंट्रीब्यूशन देखिए। ये आप इस एटम्स को देखिए, ये एटम्स को ध्यान से देखिए, ये इस यूनिट सेल से भी टच किया, इस यूनिट से भी टच किया, इसके ऊपर में रहेगा उससे भी टच करेगा, ऊपर में रहेगा इसके नीचे रहेगा उससे भी टच करेगा, इसके नीचे भी रहेगा उसके भी टच करेगा। मतलब अगर इसको आप देखेंगे ना, इसको इसको ध्यान से अगर देखेंगे, इसमें और भी इधर भी ऊपर यूनिट सेल जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इसके पीछे भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है। तो इस तरह से देखिएगा, एक जो कोना होता है वो आठ को टच किए हुआ रहता है, आठ से टच किया रहता है, तो एक में कितना आएगा, तो वन बाय एट हिस्सा आता है। तो ये कट के कितना आ गया, वन आ गया। वाई का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो ये देखिए वाई अकेला है, सिर्फ इसी में, इसी यूनिट सेल में, इसमें नहीं है, मतलब ये सिंगल रहता है, एक ही रहता है, तो एक हो गया और एक ही में रहेगा, इसका कंट्रीब्यूशन वन होता है तो वन हो गया। अब मिला देंगे फॉर्मूला तो क्या, एक्स वन है और वाई वन है, तो सी हो गया, आंसर क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ कॉम्पाउंड ऑफ ए एंड बी, अ कॉम्पाउंड ऑफ ए एंड बी क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक लैटिस इन विच द ए एटम्स ऑक्यूपाई द लैटिस पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स, ए कॉर्नर पे है ऑफ द क्यूब। मतलब अभी बताएं ए जो एटम है वो कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे आठ एटम होता है और जो कॉर्नर पे एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन वन बाय एट होता है, तो एट एट कट जाएगा तो वन आ गया। अब फिर क्या बोला, ए एटम्स ऑक्यूपाई द लैटिस पॉइंट्स एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, द बी एटम्स ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच फेस, बी जो है हर एक फेस के सेंटर पे है, मतलब छः फेस होता है टोटल, कितना फेस होता है, छः फेस होता है। ठीक है, क्यूब में देखिएगा छः फेस होगा, ध्यान से देखिए ये जो आप क्यूब देख रहे हैं, ये देखिए ये क्यूब है, इसमें छः फेस है, एक फेस दो फेस तीन फेस चार फेस पांच फेस छः फेस, देखिए छः फेस है। अब अगर ये एक क्यूब है, ये अगर इसको यूनिट सेल मानेंगे एक, तो इसके ऊपर में फिर एक और रखेंगे, तो जब हम इसके ऊपर में क्या आ गया, एक तो क्यूब ये हो गया, अब इसके ऊपर में एक और ऐसा हम डब्बा रखेंगे इस तरह क्यूब, तो यहाँ पे जो एटम्स होगा यहाँ पे वो किसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसके ऊपर में जो रहेगा उसको, मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन वो कितना होगा, हाफ का होगा, आधा इसमें आएगा आधा ऊपर आएगा। पर बताइए अगर यहाँ पे है, अगर इस जगह पे रहेगा कॉर्नर्स पे, तो क्या होगा, एक और ऐसा यहाँ रखेंगे क्यूब इस तरह से, एक और ऐसा क्यूब यहाँ रखेंगे, एक और ऐसा क्यूब यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे चार, देखिए एक दो तीन चार क्यूब यहाँ पे, तो ये तो इधर से चार को टच करेगा और फिर इसके ऊपर में चार क्यूब रखेंगे तो ये तो चारों को ना टच कर रहा है, मतलब आठ को टच करेगा, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन वन बाय एट होता है। और ये कितना को टच करता है, ये जो फेस में जो रहता है, फेस में वो इसके ऊपर में एक रहेगा और ये एक रहेगा, मतलब आधा आधा यहाँ पे दो को टच करता है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन हाफ हाफ होता है, तो सिक्स इंटू वन बाई टू छः फेस होता है, तो कट जाएगा तो थ्री, मतलब ये थ्री हो गया, तो ए वन है और बी थ्री, ए वन और बी थ्री, तो आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए।